नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो फिर किस प्रकार से आप अपने नाम द्वारा ही सर्च करके अपना आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं और आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास आधार नंबर भी नहीं है और आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक भी नहीं है तो आप किस प्रकार से अपना आधार नंबर पता कर सकते हैं और उसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं अपना आधार नंबर, इसका फुल प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये UDI.gov.in आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पे जो मैं आधार वाला ऑप्शन है इस पर आपको आना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आता है। आप यहाँ पर अगर आधार नंबर पता करना चाहते हैं तो आधार नंबर पर टिक रहने दें। अगर एनरोलमेंट नंबर पता करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट नंबर पर टिक कर दें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आधार नंबर पता करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रहने टिकट लगा देंगे रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, अगर लिंक है ईमेल आईडी आपके आधार कार्ड से। तो उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है और सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर आधार नंबर जो लास्ट का चार अंक है वो दिखाई दे रहा है, सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो हमारे रजिस्टर जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर हमारा जो आधार नंबर है वो सेंड कर दिया गया है। अब दोस्तों चलिए आपके पास आधार नंबर हो चुका है, अब बताएंगे आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है। तो चलिए आपको बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको UDI.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसके बाद थोड़ा नीचे की ओर आना है। नीचे ओर आने के बाद यहाँ पर लिखा है आधार डाउनलोड आधार, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। थोड़ा नीचे की ओर आएंगे स्क्रॉल करके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड आधार, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके पास आधार नंबर हो चुका है, मिल चुका है आपको आधार नंबर, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है और सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू मास्क आधार नंबर, तो इसको हटा सकते हैं आप। यहाँ से टिक करेंगे तो ये मास्क वाला हो जाएगा और इस पर जब टिक हटा देंगे तो ये बिना मास्क का डाउनलोड होगा, जो नंबर है वो नंबर के साथ डाउनलोड होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना ओटीपी डालना है और वेरीफाई डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे देखिए हमारा आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंग्रेचुलेशन, योर आधार कार्ड हैज बीन टू सक्सेसफुली डाउनलोड। हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब इसे दोस्तों ओपन करने का तरीका बताएंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इसे ओपन किस प्रकार किया जाता है। अब PDF जो डाउनलोड हुआ है इसमें पासवर्ड लगा होता है, किस प्रकार से पासवर्ड को ओपन करना है तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अपना PDF ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पासवर्ड लगा हुआ है, तो इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों यहीं पे इसका पास बताया गया है तरीका क्या होता है। जो आपका जो नाम होता है, नाम का शुरू का चार अक्षर होते हैं बड़े लेटरों में आपको टाइप करना है। उसके बाद आपका जो लास्ट का ईयर होता है डेट ऑफ बर्थ का, उस ईयर को यहाँ पर डालना है और उसके बाद सबमिट करना है, तो आपका PDF ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताया था कि अगर आपके पास आधार कार्ड आधार नंबर नहीं है और उसके बाद मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है आधार नंबर से तो किस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड का नंबर क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट को नीचे की ओर आएंगे, सबसे नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर है 1947। इस नंबर पे आपको कॉल करना है। यहाँ पे 100% कॉल उठाया जाता है और यहाँ पे रिप्लाई दिया जाता है, कॉल का आंसर दिया जाता है। इस नंबर पर आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद ये आपसे जो बेसिक डिटेल पूछाएगा वो डिटेल बताना है और बेसिक डिटेल सभी सही होने के बाद, आपका डिटेल मैच होने के बाद आपका आधार नंबर आपको बता दिया जाएगा, तो यहाँ से आधार नंबर पता किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना आधार नंबर पता कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है।
फिर भी अगर आपको आधार नंबर नहीं पता है तो अपना आधार नंबर पता कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।